बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फ्लैटफॉर्म्स, यानी कि मैं डिस्कस करने जा रही हूँ फाइलम प्लैटीहेलमिंथस की कॉमन एग्जांपल्स। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट वॉर्म्स, कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्लैट फॉर्म की हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ड्यूजिस्टिया की, इसकी जो कि प्लान एरिया, जिसको क्या नाम है, प्लान एरिया। ड्यूजिस्टिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लान एरिया। प्लान एरिया जो है ना, फ्री लिविंग फ्लैट फॉर्म है। ये क्या है? फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म है, जिसके जिसकी जो है ना आउटर कवरिंग, आउटर सरफेस, जिसकी जो बाहरी वाली सरफेस है वो क्या है, सीलिएटेड है, उसके पास सीलिया मौजूद हैं। फर्दर एग्जांपल लें अगर हम लोग फैसियोला, फैसियोला हेप्टिका की, तो उसमें हम लोग इसका नाम लेते हैं लीवर फ्लूक। इसके कॉमन क्या नाम है? लीवर फ्लूक। ये पहली एग्जांपल है, ये एंड इज दी सेकंड एग्जांपल। ये एंडो पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है। एंडो का मतलब विद इन, पैरासाइट यानी कि ये लिविंग अपनी जिंदगी को जो है ना होस्ट के अंदर जो गुजारता है, लिव इनसाइड देयर होस्ट, अपने होस्ट के अंदर जो है ना वो रहता है, लिव विद इन अ होस्ट। अब इसके होस्ट कौन कौन से हैं? शीप, शीप है इसका होस्ट, ठीक है, या फिर जो है इसका जो हो सकता है ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान भी इसका पैरासाइट रह सकते हैं। इसके पास जो है ना शक्कर मौजूद होता है, शक्कर मौजूद होता है जो यानी कि जो कि होस्ट टिश्यू में अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। सकर किसके लिए हेल्प करता है? सकर हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ, अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू की अटैचमेंट में सकर हेल्प करता है, जो कि कहाँ मौजूद होता है? लीवर फ्लूक में। इसीलिए इसके पास सकर मौजूद होता है, तो इसीलिए जो एंडो पैरासाइट है ये होस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर लेता है। क्लियर। अब मजीद है कि इसकी जो कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है ना, टू होस्ट होते हैं इसके, अपने जो लाइफ साइकिल है कैसे कंप्लीट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टू होस्ट, टू होस्ट। वन इज द स्नेल एंड द सेकंड इज द शीप हो सकता है, या फिर मैन हो सकता है। अब ये होस्ट के अंदर जो है ना बाइल डक्ट, लीवर में मौजूद बाइल डक्ट में जो है ना ये प्रेजेंट होता है। इट इसकी ये अपनी जिंदगी कहाँ गुजारता है? लीव कहाँ रहता है होस्ट के अंदर? बाइल डक्ट में। और बाइल डक्ट कहाँ मौजूद है होस्ट के अंदर? बाइल डक्ट ऑफ इट्स होस्ट, होस्ट की बाइल डक्ट में मौजूद होते हैं। और बाइल डक्ट कहाँ है? लीवर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं टैनिया की, जो इसका नाम है टैप वर्म, टैप वर्म, ठीक है। ये एंडोपैरासाइट है ह्यूमन का, कैटल का और पिग वगैरह का। इन्होंने जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है, इन्होंने भी दो ही होस्ट के जरिए करना होता है। ये बेसिकली क्या है? एंडो पैरा साइट। ये क्या है? एंडो पैरा साइट है। किस किस का कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? पैरासाइट का मतलब, एंडो का मतलब विद इन अ होस्ट अपनी लाइफ एग्जिस्ट
वो गुजारते हैं। ह्यूमंस हो सकते हैं, ह्यूमंस, कैटल, कैटल और पिग, सूअर वगैरह जो है, इन्होंने क्या करना होता है, अपने लाइफ साइकिल को टू होस्ट में जो है ना वो कंप्लीट करना होता है। अब इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट है ना वो पिग हो सकता है या फिर कैटल हो सकता है। इसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल रिबन लाइक होती है। क्या होती है? रिबन लाइक बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रिबन। बॉडी किस फॉर्म में पाई जा रही है? रिबन की फॉर्म में। बॉडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिबन, रिबन की फॉर्म में इसकी जो है ना हम लोगों को बॉडी दिखती है, रिबन लाइक। और इस बॉडी को डिवाइड किया जाता है सेगमेंट्स में। इस बॉडी को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है सेगमेंट्स में, जिसका नाम है प्रोग्लोटिड्स। क्या नाम है इसका? प्रोग्लोटिड्स, जिसके पास जो है ना सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। प्रोग्लोटिक्स के पास क्या मौजूद होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। और जो सेगमेंट्स होते हैं ना वो कॉन्टिन्यू मसलसल जारी रहते हैं ताकि ब्रेक ऑफ हो जाए और पास्ट पास्ट आउट हो जाए इंटेस्टाइन से फीसिस के जरिए। ठीक है, इनके सेगमेंट्स क्या हैं? मुसलसल टूटते रहते हैं। ये जो रिबन लाइक जो वॉर्म है ना, इसके क्या है? सेगमेंट्स के जो है वो मुसलसल क्या है? टूटते रहते हैं। देयर सेगमेंट्स, देयर सेगमेंट्स, इनके जो सेगमेंट्स हैं कॉन्टीन्यूसली, क्या है? कॉन्टीन्यूसली मुसलसल क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। और ये टूट कर कहाँ जाते हैं? पास्ट आउट होते हैं, पास्ट करते हैं फीसिस के साथ, पास्ट पास्ट आउट, पास्ट आउट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से कहाँ से? फ्रॉम इंटेस्टाइन अलॉन्ग विथ फीसिस, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं उसके साथ इंटेस्टाइन से कहाँ पे चल जाते हैं? बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब फ्लैटफॉर्म्स है ना, बेसिकली ऐसी कौन सी अडोप्टेशंस हैं, ऐसा इसमें कौन सी जो है ना मुताबकत पाई जाती है जिसकी वजह से इसका पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है। हम लोग स्टडी करने लगे हैं क्या? पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इन प्लैटिहेलमिंथस, अडोप्टेशन, अडोप्टेशन फॉर पैरा, फॉर पैरा साइटिक मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, अब जो पैरासिटिक प्लैटिहेलमिंथस है ना, उनको कम्प्लीटली तौर पर खुद को जो है ना पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में जो है ना डाल लेते हैं। उसकी कौन कौन सी वजूहत है? सबसे पहली वजूहत ये है कि इनकी जो एपिडर्मस होती है ना वो एब्सेंट होती है। ठीक है, एपिडर्मस क्या होती है? एब्सेंट होती है। इनके पास रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है प्रोटेक्शन के लिए। क्या होती है? एब्सेंस ऑफ एपिडर्मस। किसकी एब्सेंस होती है? एपिडर्मस की। अगर एपिडर्मस नहीं होती तो इनके पास क्या मौजूद होता है? इनके पास होता है रेजिस्टेंट क्यूटिकल, एपी डर्मिस एब्सेंट। इसकी एपिडर्मिस क्या है? नहीं होती। अब नहीं होती तो इसकी रीजन क्या है? इनके पास फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन होती है रिजिस्टेंट, रिजिस्टेंट क्यूटिकल की, रेजिस्टेंट की क्यूटिकल की क्यों फॉर्मेशन होती है?
ताकि प्रोटेक्शन हो सके, ताकि क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। अब इनके पास जो है ना डिवेल्प एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके पास दूसरी रीजन क्या है, डिवेल्प्ड अच्छे वाले क्या होते हैं, एडहेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, डिवेल्प्ड चिपकने वाले ऑर्गन्स। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाले, एडहेसिव ऑर्गन। एडहेसिव ऑर्गन में क्या आ जाता है जी, सकर, सकर भी क्या है, चिपकने वाला ऑर्गन है। सकर के अलावा आ जाती है हुक, हुक। ये सकर हो या हुक हो, इन दोनों का मकसद एक ही है, अटैचमेंट प्रोवाइड करना विद इन अ होस्ट। अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, मकसद क्या है अटैचमेंट का, किसके अंदर, होस्ट के अंदर, अटैचमेंट विद होस्ट। इसके अलावा जो है ना मस्कुलर सिस्टम की डी जनरेशन होती है। डी जनरेशन किस किस की होती है, मस्कुलर सिस्टम की और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम की, डी जनरेशन, डी जेनरेशन। किस किस की डी जनरेशन होती है, मस्कुलर सिस्टम की, मस्कुलर सिस्टम की और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। सही। अब इन फोर्थ जो है ना मॉडिफिकेशन, मैंने अभी फिलहाल आपको थ्री बताई हैं, एपिडर्मिस एब्सेंट होती है, सेकंड इज दी जो है ना एडहेसिव जो ऑर्गन इनके पास बहुत अच्छे होते हैं, थर्ड इनकी डी जनरेशन होती है, यानी कि मस्कुलर सिस्टम होकर भी अच्छी तरीके से डिवेल्प नहीं हुआ होता है, या फिर क्या हो जाता है, ख़राब टूट जाता है ना, एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसकी, नर्वस सिस्टम की भी और मस्कुलर सिस्टम की, डीजनरेशन हो जाती है। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बात करें, किसकी फोर्थ स्टेप किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से देख लेते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसको सिंप्लीफाइड किया जाता है, सिंप्लीफाइड है क्योंकि ये इंक्रीज डिपेंडेंस है होस्ट के ऊपर। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि ये कंप्लीटली तौर पर डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर। किस पे डिपेंडेंट है, होस्ट पर, डिपेंड ऑन होस्ट। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या वाले से देखें तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका क्या है, फिफ्थ इज द मॉडिफिकेशन, अडॉप्टेशन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है। और जो ओवा जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो ह्यूज नंबर्स में होते हैं, ताकि जो है ना स्पीशीज की कॉन्टीन्यूटी को यकीनी बनाया जा सके। ओवा कहाँ मौजूद होते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। और ओवा कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओवा प्रोड्यूस्ड, ओवा कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके बहुत बड़ी तादाद में, इन ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ताकि इनकी स्पीशीज की कॉन्टीन्यूटी को क्या किया जा सके, बरकरार किया जा सके। अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है लाइफ साइकिल में, कॉम्प्लेक्सिटी इन लाइफ साइकिल, सिक्स मॉडिफिकेशन ये है, कॉम्प्लेक्सिटी किसमें होती है, लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल। और मोर देन वन होस्ट होता है इनके कंप्लीट लाइफ साइकिल में, क्या होता है, मोर देन वन होस्ट पाए जाते हैं, जो कि जबरदस्त किस्म की पैरासिटिक अडॉप्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्लियर
क्लियर है कि इनका क्यों कॉम्प्लेक्स जो है ना वो लाइफ साइकिल पाया जाता है। दिस इज द सिक्स अडोप्टेशंस जो कि प्लैटी हेलमेंथिस को मजबूर कर देती हैं कि वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में अपनी लाइफ को गुजारे। थैंक यू।